नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी। सिंगरौली जिले में डोरविथ फाउंडेशन द्वारा गरीब बच्चों को बाल पेंटिंग उपलब्ध कराई गई। आशीष पांडे ने बेसहारा लोगों का सहारा बनने के उद्देश्य से एक मुहिम शुरू की है, जो आगे चलकर डोरविथ फाउंडेशन संस्था के शक्ल में सामने आई है। गरीब बच्चों को स्कूल किट बॉल पेंटिंग किट उपलब्ध करा रहा है। आशीष पांडे द्वारा शुरू की गई इस नेक पहल के साथ आज बड़ी तेजी से लोग जुड़ रहे हैं। डोरविथ फाउंडेशन शहर की विभिन्न बस्तियों स्कूल में जाकर जरूरतमंदों को उनकी जरूरत का सामान उपलब्ध कराने के साथ साथ गरीब छात्रों को बेहतर शिक्षा के लिए प्रयासरत है। जहाँ आज डोरविथ फाउंडेशन के बैनर तले आशीष पांडे ने अपनी टीम के साथ तेलगवा पूर्व माध्यमिक विद्यालय में गरीब बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पेंटिंग किट वितरित की और पेंटिंग किट पाकर बच्चों के चेहरे पर जो खुशी खिल उठी, वही प्रधान अध्यापक उमाकांत पांडे ने कहा कि सराहा और भविष्य में ऐसे ही कार्य करते रहने की शुभकामनाएं दी। मौके पर प्रधानाचार्य उमाकांत पांडे, शिक्षक पूजा सिंह, प्रियंका ममता सिंह, डोरविथ फाउंडेशन अध्यक्ष आशीष पांडे सहित सहयोगी आशुतोष पांडे, राहुल गुप्ता, मनोज यादव, सुशील मौजूद रहे। आज हमारी संस्था डोरविथ फाउंडेशन द्वारा क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय तेलगांव में जाकर के वहाँ के गरीब बच्चों को पेंटिंग किट जो है तो उपलब्ध कराया गया, उनको वितरित किया गया, जिसके लिए मैं स्कूल की संस्था वहाँ के प्रधानाध्यापक जी को और हमारे डोरविथ फाउंडेशन के सभी सदस्य, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपना सहयोग दिया था, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सिंगरौली से खबर समय जगत के लिए ओम प्रकाश दुबे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.